जोहार दोस्तों, आज हम झारखंड के टॉप 5 बेस्ट सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं। यूट्यूब से कितना कमाते हैं, स्टेज प्रोग्राम का चार्ज कितना लेते हैं, एक सॉन्ग गाने का कितना चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नागपुरी सिंगर छोटे लाल झारखंड से बिलोंग करते हैं। छोटे लाल हर सॉन्ग को अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं। यूट्यूब से 50,000 के आसपास कमाई कर लेते हैं और छोटे लाल एक लाइव प्रोग्राम का 5,000 से 10,000 रुपये का चार्ज लेते हैं। नागपुरी रैपर सिंगर एमजे मजनू, जिसका सब्सक्राइबर 1,80,000 है। एमजे मजनू का हर सॉन्ग अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है। यूट्यूब से एमजे मजनू की कमाई 70,000 से 80,000 रुपये की कमाई हो जाती है। एक लाइव प्रोग्राम का चार्ज 12,000 से 15,000 रुपये लेते हैं। नागपुरी का यंग सिंगर एस बाबू सिंगर और डांसर हैं। एस बाबू का सभी वीडियो हाई क्वालिटी में आता है, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है एस बाबू म्यूजिक, जिसमें 6,23,000 सब्सक्राइबर है। एस बाबू का यूट्यूब से कमाई 1,00,000 से ऊपर हो जाती है। लाइव प्रोग्राम में अभी नज़र नहीं आए हैं। नागपुरी सिंगर विवेक नायक, जो एक्टर के साथ सिंगर भी हैं। विवेक नायक का एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें लगभग 1,60,000 सब्सक्राइबर है। विवेक नायक का गाना अपलोड होते ही मिलियन व्यू पहुंच जाता है। विवेक नायक का यूट्यूब चैनल से कमाई 1,00,000 से ऊपर है। विवेक नायक का गाना हार्ट टचिंग होता है, जिसको सुनने के बाद दिल को छू लेता है। एक लाइव प्रोग्राम का चार्ज 50,000 से 60,000 से ऊपर लेते हैं। फेमस नागपुरी सिंगर नितेश कच्छप, नितेश का गाना हर अलग अलग यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है। उस गाना का चार्ज 20,000 रुपये से ऊपर रहता है। लाइव प्रोग्राम का चार्ज 50,000 से 60,000 से ऊपर लेते हैं और नितेश कच्छप का गाना पूरे झारखंड में फेमस है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा फेवरेट सिंगर है विवेक और नितेश कच्छप। तो दोस्तों, ये थी टॉप नागपुरी सिंगर का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।